राजधानी दिल्ली में करीब 25 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने साथी चोर लोकेश श्रीवास्तव और उसके साथी शिव चंद्रावंशी को 25 किलो सोने के साथ पकड़ने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने साथी लोकेश को दुर्ग से हिरासत में लिया है। आरोपी लोकेश ने 2021 में दुर्ग छत्तीसगढ़ से 40 किलो सोना भी चुराया था। इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस लोकेश व उसके साथियों की तलाश कर रही थी। मणिपुर के इम्फाल घाटी में गुरुवार रात को एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। हिंसा में शामिल भीड़ ने इस बार मुख्यमंत्री के खाली पड़े पैतृक आवास पर हमला करने का प्रयास किया। हमलावरों ने टायर जलाए और सुरक्षा बलों को रोकने के लिए लोहे के पाइपों से सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद माहौल को शांत करवाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों को वहां से हटा दिया। साथ ही रात भर हिंसक झड़प चलती रही। हालांकि शुक्रवार सुबह स्थिति काफी हद तक शांत रही, लेकिन माहौल अब तक तनावपूर्ण बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी 3 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। शिक्षक घोटाले के मामले में अभिषेक को समन भेजा गया था। इस बीच पार्टी महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजे अभिषेक ने प्रेस कर की कॉन्फ्रेंस में ईडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती। आपको बता दें कि ईडी शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी को ईडी के द्वारा समन भेजा जा चुका है। भारत में होने वाले विश्व कप के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारत में कुछ दिन बाद वनडे विश्व कप की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट के 13 संस्करण की शुरुआत 5 अक्टूबर को होगी। फाइनल मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। विश्व कप में इस बार 10 टीमें भाग लेंगी, जिसमें भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड देश खेलने वाले हैं। खेल जगत से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत 32 पदकों के साथ चौथे स्थान पर एशियन गेम्स में सफलता पाने में सफल रहे। आपको बता दें कि एशियन गेम्स 2023 पदक तालिका में सबसे ऊपर चीन देश ने बढ़त बनाई है। वहीं दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर रहा है।